हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडजी एग्जाम, ए प्लेस वेयर वी प्रीफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आज का जो अपन का टॉपिक है वो एंड गेम सीरीज का फिजिक्स का टॉपिक है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर भी है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। ठीक है, मैंने क्या करा है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करा है। ठीक है, वहां से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप समझना, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, फाइव रेस्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक बोनस कंटेंट भी आपके लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोनस में जो है वो और भी अच्छा है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, वहाँ से आप सीखो, अपने मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। ठीक है, व्हाट कैन बी बेटर वे टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या है, अपन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिस्टेक्स क्रिएट करेंगे, वहाँ से सीखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ रेडियस आर। ठीक है, एक ट्यूब दिया हुआ जिसका रेडियस कितना आर है, वन एंड ऑफ विच हैज़ फाइन एंड फाइन होल्स। ठीक है, उसमें कितना होल्स हैं, लास्ट में क्या है, एक एन नंबर ऑफ होल है। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और उसकी रेडियस क्या है, उस स्मॉल होल्स की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज वी, ट्यूब के अंदर स्पीड क्या है, वी दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स इज, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे होता है, देखो बर्नौलीज थ्योरम में दो थ्योरम होता है। ये क्या है, यहाँ पर आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर क्या करते हो, आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अपन क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। ये आपने क्या करा, एक ट्यूब क्रिएट कर दिया। ठीक है, एंड में क्या हुआ, परफोरेशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, तो होल्स को देखना है कि कितने होल्स हैं। मान लेते हैं कि ये आपके होल्स हैं। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, ये स्मॉल आर है। इसकी जो रेडियस है, ये जो स्मॉल होल्स हैं, इसकी जो रेडियस है, ये क्या है, स्मॉल आर है। और ये जो ट्यूब है आपका, इसका जो रेडियस है, ये कितना है, ये कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखो, आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे यहाँ पर बात करना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट है। यानी जितना मास लिक्विड इस ट्यूब से फ्लो कर रहा है, सेम मास क्या करेगा, इस होल से भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं कैसे होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मास। एक इस पॉइंट को हमने, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और इधर के होल्स को क्या बोल दिया हमने, बी बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मास एट ए एंड बी, एट ए एंड बी। याद रखना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे है। ये सी ओ एम जो है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास नहीं है, समझे। चलो, अब दोनों के केस में क्या हो जाएगा, मास सिमिलर हो जाएगा। यानी मास फ्रॉम ए, ए से जो वाटर मास का फॉलो कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मास एट बी। ठीक है, जो बी पॉइंट से जो मास निकल रहा है वाटर का, वो इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करते हैं। अपन को एक बात पता होना चाहिए कि मास होता है कितना है। अगर आप यहाँ पर से मान लो कि इस पॉइंट का एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर एट ए। ठीक है, याद रखना, पॉइंट ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, डेल्टी क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया। कितने टाइम इंटरवल में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितने एरिया से, और उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एट ए। ठीक है, ये क्या हो गया, मास एट ए हो गया। ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, ये मास है। ठीक है, अब मास एट बी निकालते हैं, तो मास एट बी क्या हो जाएगा, एरिया एट बी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट बी, इंटू जो टाइम इंटरवल है, और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट बी। ये क्या हो गया, मास एट ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे अपन। तो एक बात याद रखना, ये जो डेल्टी है, ये क्या है, डेल्टी इज टाइम इंटरवल, डेल्टी क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, कितने मास को हम ले रहे हैं, कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेल्टी, और उसे टाइम इंटरवल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम है। ठीक है, हमने क्या करा, टाइम इंटरवल दोनों के लिए सेम ले लिया, तो ये डेल्टी कैंसिल आउट हो गया।
आपको पता है कि ये क्या है, यहाँ पर से सेम फ्लूड है, ये जो लिक्विड है ए से जो फ्लो कर रहा है वही बी से भी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ए, सिंस डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी, दोनों लिक्विड क्या है सेम है, यानी ये डेंसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच जाता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी बच जाता है, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, ठीक है। ए इंटू वी जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर लिखते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस ट्यूब का एरिया हो गया इंटू वेलोसिटी एट ए, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, ये ट्यूब से, दैट इज वी, यहाँ पर देखो ये वी है तो वेलोसिटी को वी मान लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी, यानी ये जो स्मॉल होल्स है उसका एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना टाइम से, कितने होल्स हैं, एन होल्स हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एन से यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये वेलोसिटी एट बी निकालना, ये तो अपने आपको निकालना है कि कितने वेलोसिटी से एजेक्शन होगा, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये पाई पाई यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, यानी वी वी वेलोसिटी एट बी कितना हो जाएगा, वी आर स्क्वायर, यानी ये कैपिटल आर हो गया अपॉन एन स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, नीचे स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये नीट में आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हो तो वहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास करोगे, ठीक है, दोनों पॉइंट पे क्या करो, मास को इक्वेट कर दो, अब मास का क्या फॉर्मूला जाता है, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पार्टिकुलर टाइम इंटरवल इंटू डेंसिटी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मास हो जाएगा, दोनों मास को हमने क्या करा, इक्वेट कर दिया, यहाँ से आपका वेलोसिटी एट बी, यानी पॉइंट जो स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड होगा वो निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आई थिंक सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या लगाना, यहाँ पर बर्नौलीज़ थ्योरम लगाना, ये बर्नौलीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन है, हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन कर लिया, अब क्या करेंगे, बर्नौलीज़ थ्योरम से एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसे, ए होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, कहाँ पर आप होल क्रिएट कर रहे हो, बॉटम ऑफ द टैंक पे, फिल्ड विथ वाटर, वाटर से फिल्ड है, डेंसिटी वाटर की कितनी दी हुई है, 1000 kg/m³ दिया हुआ, इफ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 3 atoms, ठीक है, बॉटम ऑफ टैंक पे कितना टोटल प्रेशर दिया हुआ, 3 atoms दिया हुआ है, 1 atmospheric प्रेशर दिया हुआ, 10^5 Nm², ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, अपन को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है क्या, समझना पहले, देखो मान लो कि ये आपका एक टैंक है, टैंक पहले क्रिएट करते अपन, ये क्या है टैंक है, इसमें क्या है आपका वाटर भरा हुआ है, वाटर फील्ड, ठीक है, ये क्या हो गया वाटर फील्ड, हमने क्या करा बॉटम पे एक होल क्रिएट करा, मान लो कि इस पॉइंट पे हमने क्या करा एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो इधर से क्या निकलेगा वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते थे, जिस वेलोसिटी से वाटर फ्लो करेगा उसी को आप क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, क्या बोलते हो आप, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, आपको क्या करना होता है बर्नौलीज़ थ्योरम में, अप्लाइंग बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, देखो बर्नौलीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया प्रेशर हो गया, प्लस रो जी एच, ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और इन तीनों का सम क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ये क्या है यही बर्नौलीज़ थ्योरम है, ठीक है, ये क्या है प्रेशर, ठीक है, ये क्या हो गया प्रेशर आपका, ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इन तीनों का सम क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पर अपन एक बर्नौलीज़ थ्योरम को अप्लाई करेंगे, मान लो कि देखो यार ये पॉइंट आपका 1.1 हुआ, ये क्या है 0.1 है, और ये आउटसाइड जो है इस पॉइंट पे होल पे ये क्या हो गया 0.2 है। अब दोनों के प्लेस पे हम दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप 0.1 की बात करते हो, ठीक है, एट 0.1,
एट पॉइंट वन। तो इस पॉइंट पे प्रेशर टोटल कितना है, इस पॉइंट पे प्रेशर टोटल कितना दिया हुआ है, थ्री एटम्स दिया हुआ। अब देखो दोनों का क्या है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट क्या सेम है, तो यहाँ पर जो आपका एच सेम हो जाने पे ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जो रो जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो दोनों आउट, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी एच दोनों के लिए सेम है, ठीक है, जो एच का जो डिफरेंस है दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम ही लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है, वो जीरो हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या करेंगे, इसको हम अपन जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, फर्स्ट पॉइंट पे ले रहे हैं, यानी थ्री एटम्स का प्रेशर है, कितना एटम्स का प्रेशर है, प्लस थ्री का है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर तो ये जो वाटर है ये स्टैटिक है, इस पॉइंट पे वाटर क्या है, स्टैटिक है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो भी जीरो हो गई। यानी इस केस के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस ये भी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने किसके लिए निकाल लिया, एट पॉइंट वन के लिए माना, और ये क्या हो गया, इक्वेशन वन। अब सेकेंड पॉइंट के लिए मानते हैं, एट पॉइंट टू। तो अब ये क्या है, ये जो होल है, ठीक है, यहाँ पर जो वाटर एक्सपोज्ड है, ठीक है, ये किससे एक्सपोज्ड है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कितना हो गया, वन एटम हो गया, वन एटम यहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी क्या करेंगे, हाफ रो वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही एक फ्लक्स का वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब दोनों कांस्टेंट है, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। जब दोनों को इक्वेट करोगे आप, ये क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो ये क्या आपका निकल के आ जाएगा, थ्री इज इक्वल टू वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और वी यहां पर क्या है, एफ्लक्स का वेलोसिटी, याद रखना इस बात को, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करते हो। अब यहां पर क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो आपका जो थ्री एटम्स था, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, टू एटम्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आके ये टू एटम्स हो जाएगा, यानी टू इंटू टेन टू पावर फाइव आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इफेक्टिव, ये जो है फ्लक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जब क्या करोगे, आप डेंसिटी का वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी फाइंड आउट करके आओगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना, देखो यार, आपको बर्नौलीस थ्योरम अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपने क्या करा, बर्नौलीस थ्योरम को अप्लाई करने सीख गए, तो वहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और वहां पर क्या करो, बर्नौलीस थ्योरम को अप्लाई करने का कोशिश करो, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर 400 रूट अंडर 400 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, ऐसे तो ये 20 हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, रूट अंडर में निकालना, 400 में निकालना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेवन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्फेस ऑफ सोप बबल, यहाँ पर बबल की बात हो रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस कितना दिया हो, 2.1 सेंटीमीटर दिया। इफ इट्स टेंशन इज 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, टेंशन दिया हुआ आपको, आपको रेडियस दिया हुआ, और यहाँ पर एक की डाटा जो दिया हुआ है वो क्या है, वो सोप बबल के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी आप इस केस में एनर्जी निकालते हो सर्फेस टेंशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब भी आप एनर्जी फाइंड आउट करते हो सर्फेस टेंशन के रिस्पेक्ट में, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ठीक है, और क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फ्री फेसेस, नंबर ऑफ फ्री फेसेस, ठीक है। आपने यहां पर क्या लिया, सोप बबल लिया हुआ, सोप बबल के लिए फ्री सरफेस कितना हो जाता है, दो हो जाता है, और वही अगर वाटर ड्रॉप रहता तो उसके लिए फ्री सरफेस कितना हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। तो अपन को यह बात याद रखना है, बाकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। टेंशन कितना दिया हुआ है, 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 दिया हुआ है। एरिया कितना है, यहां पर रेडियस क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है,
बबल का अगर रेडियस निकालना हो तो स्फेयर है, स्फेयर का अगर आपको एरिया निकालना हो तो क्या करते हो, 4πr² लेते हो, क्या लेते हो, 4πr² लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × π, और r यहाँ पर कितना दिया हुआ, रेडियस 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.1 × 10⁻², और इसका क्या होल स्क्वायर है, और यहाँ पर अपन को पता है ये सब बबल है, तो सब बबल के लिए फ्री सरफेस कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू पुट कर दिया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4.95 × 10⁻⁴ जूल के अराउंड आता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल था, केवल आपको ये याद रखना है कि ये सोप बबल का केस है, ठीक है। सोप बबल में कितना फ्री सरफेस हो जाता है, सोप बबल के केस में जो फ्री सरफेस होते हैं वो कितना हो जाता है, फ्री सरफेस दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर है। वही अगर वाटर ड्रॉप रहता तो उस पर क्या करते हैं, फ्री सरफेस कितना हो जाता, 1 हो जाता। सिंपल सा था, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। यानी एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालते हो, टेंशन लेते हो, सरफेस टेंशन लेते हो, ठीक है, एरिया लेते हो, और नंबर ऑफ फ्री फेसेस से मल्टीप्लाई करते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक सी इज द राइट आंसर, क्लोजेस्ट यही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने क्या कोशिश करा है यहाँ पर, कि आपके हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, वहाँ से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊँ, ठीक है। तो चलो ये देखो क्वेश्चन, 8 equal drops ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ ए स्टडी वेलोसिटी ऑफ 10 पर सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्टडी वेलोसिटी। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये गड़बड़ है, और ये गड़बड़ क्या है, एक्चुअली 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो आप यहाँ से पर सेकेंड कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन, ये क्या है, टाइपो एरर है। 8 equal drops ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विथ ए स्टडी वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ द ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। यानी 8 ड्रॉप्स है, ठीक है, 8 equal drops है, वो क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, और उसकी जो स्टडी वेलोसिटी वो कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब ये ड्रॉप क्या है, कंबाइन कर गया टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप बिग इन साइज, देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर अपन को क्या निकालना, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, ये पहले समझाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ये आपका एक बीकर हो गया मान लो, ठीक है, कंटेनर हो गया, इसमें क्या है, लिक्विड डाला हुआ है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड फील्ड है यहां तक, अब मान लेते हैं अपन क्या, एक ड्रॉप है, ठीक है, एक बॉल है या मेटालिक स्फीयर है, कुछ भी है, ठीक है, यहां पर एक ड्रॉप है। अब ये क्या हो रहा है, इधर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, ये फॉल कर रहा है नीचे नीचे, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, ठीक है, मेटालिक स्फीयर है या कुछ भी है, ठीक है, सर्कुलर, ये क्या है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये धीरे धीरे नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। जब ये मूव करेगा तो किसके वजह से ये मूव कर रहा है नीचे, ये एम जी की वजह से मूव कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अपने वेट की वजह से मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरह का फोर्स लगेगा, एक तो पहले ही इसके अपने वजह से क्या होगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जो दूसरा क्या होगा, एक विस्कस फोर्स आता है, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है, ये लिक्विड क्या करेगा, इसके विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस स्फीयर पे एक विस्कस फोर्स लगेगा, दैट इज ऑल्सो इन डायरेक्शन टू अपथ्रस्ट, यानी उसके मोशन के अपोजिट में लगेगा, यानी यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो विस्कस फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, तो देखो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी विस्कस फोर्स के स्टॉक्स लॉ से आता है ये फॉर्मूला, ठीक है, −6π η यानी विस्कोसिटी इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। अब ये देखो ये क्या हो गया, ये विस्कस फोर्स हो गया। अब यहाँ पर समझना इस बात को, ये जो विस्कस फोर्स है ये डाउनवर्ड जब मूव करेगा, ये बॉल आपका जब स्फीयर आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ये बात समझ में आ रही है बात। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है तो यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये विस्कस फोर्स भी आपका इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है
तो ये क्या होगा, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो विस्कस फोर्स जब इंक्रीज करेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया, देख लो, यहाँ पर सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे। यानी अब थ्रस्ट जो लग रहा है प्लस विस्कस फोर्स लग रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी अब इसका जो वेलोसिटी है, अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। ठीक है, अब इसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी को ही क्या बोल देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आता है अपन का, वो क्या निकल के आता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, मेटेलिक स्फेयर जो रहता है, ठीक है, बॉडी का स्क्वायर, ये रेडियस स्क्वायर है, अपॉन नीटा, यानी ये विस्कोसिटी कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, माइनस सिग्मा माइनस रो इंटू जी। यानी सिग्मा माइनस रो, सिग्मा क्या है, ये डेंसिटी ऑफ बॉल है, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड का है, और रो यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूड हो गया। क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूड हो गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो टर्मिनल वेलोसिटी कुछ नहीं यार, एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। कब होता है, कैसे केस में आता है, जब अप थ्रस्ट प्लस ये जो विस्कस फोर्स लगता है, दैट बैलेंसेस एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब ये जो डेंसिटी है, ये क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, याद रखना, ये फ्लूड का डेंसिटी है, और ये जो डेंसिटी, ये किसका डेंसिटी, ये सॉलिड का डेंसिटी है। क्लियर है, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन हो गया, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का क्या रिलेशन हो गया, यानी यहाँ पर यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एट इक्वल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, एट इक्वल स्मॉल ड्रॉप्स है। अब वो क्या कर रहा है, वो कंबाइन करके लार्जर ड्रॉप बना रहा है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है कि आपका जो एट स्मॉल ड्रॉप्स है, ठीक है, एट स्मॉल ड्रॉप्स है, उसकी रेडियस की क्या दी हुई है, स्मॉल आर दी हुई है। ठीक है, उसकी ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर मान लेते हैं, और जो बिगर ड्रॉप है उसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। यानी जो वॉल्यूम है 4/3 πr³, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लार्जर ड्रॉप का वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, 4/3 πr³। यहाँ पर आर क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर से आर और स्मॉल आर कैपिटल आर का क्या रिलेशन आएगा, देयर फॉर स्मॉल आर। ठीक है, यानी 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये यहां से आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस की रिलेशन पता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप यानी स्मॉलर अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर ड्रॉप। क्लियर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अब यहां पर समझना, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्क्वायर है, यानी यहां पर आर स्क्वायर क्या है, यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस यही था, और ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर का। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर दिया हुआ है, स्मॉलर रेडियस जो स्मॉल स्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, उसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये क्या करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे, किसका वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये 2r² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर के बारे में भी लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर r/2 से आप, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका, एक मिनट गड़बड़ हो गया कुछ, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ये रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² / 4r² हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस किया, तभी तो कैंसिल आउट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लार्जर का क्या हो जाएगा, 4r², क्योंकि 2r² के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। तो जब इसे ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अपन 1/4 कर देते हैं,
अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर ड्रॉप, अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर ड्रॉप 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर से जब वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर ड्रॉप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर मैंने क्या करा था, कैपिटल आर के टर्म्स में लिया हुआ था, इसलिए दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। लेकिन अपन को क्या करना है, स्मॉल आर के टर्म्स में लेना है ताकि दोनों वैल्यू कट आउट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर से कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका कितना आ गया, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जर ड्रॉप कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। दैट मीन्स टी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ पर से क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने क्या करा, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कॉस फोर्स, स्टॉक्स लॉ सबको कवर कर दिया मैंने, आपको एक रफ आइडिया दे दिया। इसका डेरिवेशन आप देखोगे, सारा चीज़ यहीं पर है आपका। ठीक है, सारा फॉर्मूला यहीं पर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में आ चुका है। ए विंड विथ स्पीड, ठीक है, विंड का स्पीड दिया हुआ है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। ठीक है, द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, एरिया रूफ दिया हुआ। एज्यूमिंग दैट द प्रेशर इन साइड द हाउस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द विंड, ठीक है, एक्सटेंडेड नहीं होगा, एक्सर्टेड बाय द विंड ऑन द रूफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी। तो यहाँ पर से अपन को क्या निकालना है, एक तो फोर्स निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस प्रेशर की वजह से, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन उस फोर्स का क्या होगा। तो दो चीज़ निकालना है, एक तो फोर्स निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पर क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, ये क्या है, ये एरोप्लेन के जो लिफ्टिंग होती है उस पर बेस्ड है। तो कंडीशन क्या होता है, ये क्यों आपके देखते हुए घर के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रूफ उड़ जाती है, ठीक है, जब तूफान वगैरह आता है तो क्या होता है, जो कच्चे मकान होते हैं उसका जो रूफ होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्यों उड़ जाता है, तो समझना, यहाँ पर ये सेम कॉन्सेप्ट आता है जब एयरप्लेन जो लिफ्टिंग होती है, एयरप्लेन की जो टेक ऑफ जो होता है उस समय में, तो यहाँ पर से समझना क्या होता है बेसिकली। देखो ये जब भी आप इसका डिज़ाइन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में होता है। ठीक है, जो आपका एयरप्लेन की जो विंग्स होते हैं उसके जो डिज़ाइनिंग होती है वो क्या होता है, स्ट्रीम लाइन के फॉर्म में होता है। अब ये देखो, आप अगर इस कंडीशन में अगर चलते हो, अगर मान लो कि ये एयर जो है इधर से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी एयर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर, ठीक है, ये विंग का लोअर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है। तो एक बात बताओ, एयर को ज़्यादा डिस्टेंस किधर कवर करना पड़ा, ऑफकोर्स इधर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ठीक है, तब जब इधर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है, यानी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर हाई हो जाती है। ठीक है, और इस नीचे पोजिशन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी लो हो जाता है। क्लियर है, और आपको पता है कि वेलोसिटी और प्रेशर का जो होता है वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। जहाँ पर वेलोसिटी हाई होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है, और जहाँ पर वेलोसिटी लो होता है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पे जो प्लेन होते हैं वो टेक ऑफ करते हैं। तो समझना ये क्या कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या है, यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ठीक है, लो प्रेशर ऊपर है, नीचे हाई प्रेशर है, तो जो मोशन होता है ये किधर से मोशन होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, नीचे से लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, जैसे कि आपका ये टेक ऑफ कर पाता है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी होता है, जो आप घर होता है, घर के छत उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, तो देखो ये हमने एक हट बना लिया। ठीक है, जो झोपड़ी होता है, झोपड़ी झोपड़ी ये, ठीक है, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ यार, इसे केवल समझना आप। ठीक है, ये क्या हो गया, एक हट हो गया, ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया ना, अच्छा कोई नहीं। देखो अब क्या है, इधर से आपका क्या होगा, एक एयर ब्लो करेगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, एयर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन से ऊपर से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जिधर से प्रेशर जब ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है, जब विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज़ ये वेलोसिटी क्या हो गया, हाई वेलोसिटी हो गई, इस पोजीशन पे वेलोसिटी हाई हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अंदर में क्या है, एयर का तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, घर के अंदर हो तो वहाँ पर एयर का फ्लो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक लो वेलोसिटी, यानी एयर की जो वेलोसिटी होती है काफ़ी लो हो जाती है, और इस पोजीशन पे क्या होता है, प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से समझना क्या निकालना आपको,
तो आप क्या करोगे, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, हाइट के टर्म्स में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस जो हाइट का एनर्जी होता है बर्नौलीज थ्योरम में जो हाइट का कॉन्सेप्ट आता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या करते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट का जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर लो है यहाँ पर, अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, जब हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की मूव करेगा तो एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये जो आपका रूफ होता है ये क्या होता है, ब्लोज अप, ठीक है, ये क्या होता है, उड़ जाता है छत। तो अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ है आपको, ये प्रेशर जो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, पी वन, ये आपको दिया हुआ पी नॉट के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो पी टू है दैट इज इक्वल टू पी, क्लियर है, वहां पर क्या हो गया पी के इक्वल हो जाता है, समझ में आई बात। अब देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाते हैं इक्वेशन, यानी जब इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक दो पॉइंट आ गया, एक अंदर घर के अंदर हो गया, ठीक है, घर के बाहर हो जाएगा, तो दो पॉइंट लगाते हैं, इसे आपने पी वन माना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर इसको वेलोसिटी को हमने वी वन मान लेते हैं, ये वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो क्या लगाओगे, प्रेशर एट वन, यहाँ पर ये पी वन के इक्वल, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो लगाओगे वो क्या लगाओगे, हाफ रो वी स्क्वायर, और यहाँ वी स्क्वायर का कौन सा हो जाएगा, लो वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी टू प्लस हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, वी क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका निकल के, अब देखो यहाँ पर पी वन क्या हो गया, एटमोसफेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखाओगे, हाफ, डेंसिटी कॉमन हो जाएगा, डेंसिटी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हाई स्क्वायर, यानी वी एच स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर के हो जाएगा, यानी पी वन माइनस पी टू हो जाएगा। अब ये प्रेशर आप क्या लिखते हो, प्रेशर को आप क्या लिखते हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो हाफ रो वी एच स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, और ये किसके हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है अंदर में कितना हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी लो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं सर, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी कितना दिया हुआ एयर का, ये एयर का डेंसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ एयर का डेंसिटी, दैट इज 1.2 इंटू, यही है 1.2 है, ठीक है, केजी में निकालना है, न्यूटन है तो यहाँ पर एसआई यूनिट में निकालेंगे, ठीक है, तो यानी 1.2 दे दिया, ठीक है, ये क्या हो गया 1.2 दे दिया। अब यहाँ पर वेलोसिटी लो, हाई में कितना वेलोसिटी है, देखो 40 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन लिखेंगे 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 1600 आ जाएगा, ठीक है, माइनस क्या करेंगे जीरो कर देंगे, जीरो क्यों कर देंगे, क्योंकि वी एल जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है, ठीक है, ये वी एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, जीरो दिया हुआ, यानी ये जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू एरिया, एरिया कितना अपन को दिया हुआ, 250 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10^5 न्यूटन, क्लियर है, 2.4 इंटू 10^5 न्यूटन आ जाएगा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। अब ये एक, अब ए में भी देखो और बी में भी देखो, ए और डी का ऑप्शन देखो, ए और डी का ऑप्शन देखोगे, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन हो जाएगा ये, देखो ये डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव क्रिएट करेगा, यानी ये जो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तभी तो विंड ब्लो कर दिया ना, छत को उड़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो याद रखना ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स किधर अप्लाई हो रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है, पी हाई से लो फ्लो करता है पी लो की तरफ, ठीक है, प्रेशर जहाँ पर हाई रहता है पी लो टू फॉल करता है, फ्लो करता है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली ये क्या है ना, क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एग्जर्शन भी होता है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक बोनस क्वेश्चन मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि बोनस पॉइंट बताऊंगा, तो बोनस पॉइंट देखो क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें दो पॉइंट आप समझना, मान लो कि ए टैंक इज फिल्ड एंड टू होल्स ए एंड बी आर मेड इन इट, यानी एक ये होल है, एक ये बी होल है,
फॉर गेटिंग सेम रेंज द रेशियो ऑफ एच, यानी ये एच डैश है और ये क्या है एच है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो डिस्टेंस है ये क्या दिया हुआ है एच डैश दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या दिया हुआ है एच दिया हुआ है। इन दोनों का रेशियो निकालना है फॉर सेम रेंज। तो सेम रेंज का मतलब क्या है, सेम रेंज का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो पहले ये केस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से समझते हैं फिर इधर सॉल्व करेंगे। तो ये जो केस है यहाँ पर से क्या है, एक ये हाइट है, ठीक है, एच डैश से हाइट है, और यहाँ पर से क्या हो रहा है ये वेलोसिटी, ये क्या हो रहा है यहाँ से ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाटर फ्लो होता है यहाँ पर क्या होता है, बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो वी एफ्लक्स हो जाता है, जिस वेलोसिटी से वाटर यहाँ से निकल रहा है वो क्या हो जाता है रूट अंडर टू जी एच हो जाता है, क्या हो जाता है रूट अंडर टू जी एच हो जाता है, ठीक है। तो ये अपन को पता है, ये अपन को पता है। अब यहाँ पर क्या निकलना है कि मान लो कि ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ से निकल रहा है तो ये इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है इसी को अपन क्या मान लेते हैं रेंज मान लेते हैं, ठीक है। रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लो कि एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये क्या हो गया ये रेंज हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि टोटल हाइट जो है ये कितना, टोटल हाइट कितना है एच है, ठीक है, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पर एच दिया हुआ है, ठीक है, ये टोटल हाइट एच है। तो यहाँ पर जो आप रेंज निकालते हो तो रेंज का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, तो रेंज का जो इक्वेशन लिखते हो तो वो क्या लिखते हो, वाई इज इक्वल टू हाफ, ये इक्वेशन है, ठीक है, जी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो आपका रेंज होता है एक्स, जो रेंज है वो कितना निकल के आता है, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, फोर इंटू एच, और ये क्या है एच माइनस वाई हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है एच माइनस स्मॉल एच, क्लियर है। तो यहाँ पर से जो रेंज का फॉर्मूला आता है, रेंज का फॉर्मूला ये निकल के आता है, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के निकालते हैं, ये क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है ये, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का क्या इक्वेशन है। तो यहाँ पर से अपन एक्स का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या निकला है, यहाँ पर जो वाई निकला है, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस है, यानी ये जो आपका एक्स डिस्टेंस है, ये जो आपका रेंज है, ठीक है, इसी रेंज को हमने, इसी को हमने क्या मान लिया रेंज मान लिया। रेंज जब है क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ, ये प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो वहाँ से क्या करते हैं अपन रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ से जो सॉल्व होता है ये क्या आता है एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है डिराइव करके, फोर इंटू ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इस पोर्शन पे जो हाइट है आपका, ठीक है, ये हाइट एच डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ हमने से, या एच मान लो, ठीक है, इंटू ये हाइट टोटल, ये हाइट, ठीक है, यानी ये कितना हाइट हो गया आपका एच माइनस एच हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये रेंज का आपका यहाँ से निकल के आता है, क्लियर है ये चीज़। रेंज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझना बात को। अब ये केस ऐसा है जहाँ पर दोनों का रेंज क्या है सेम है। इस केस में क्या है दोनों के लिए रेंज क्या है सिमिलर है, यानी आर ए इज इक्वल टू आर बी, ये लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, देखो रेंज के लिए फॉर्मूला एक पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है आपका एक्स है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, ये एक्स डिस्टेंस है, क्या है ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं किसके लिए, ए के लिए अप्लाई करते हैं। तो ए के लिए जब आप रेंज निकालोगे तो ये हाइट, ये जो आपका एच दिया हुआ है, यानी आप इसे क्या करोगे रूट अंडर, ठीक है, ए के लिए निकाल रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो ये क्या करेंगे फोर इंटू एच करेंगे, और ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, ठीक है, और ये कितना एक्स प्लस एच डैश लिख सकते हैं इसे, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए ये हाइट कितना हो गया आपका एच डैश हो गया, ठीक है, यानी फोर इंटू एच डैश हो गया, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया एक्स प्लस एच हो गया। आप इसे क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो रूट अंडर हट जाएगा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा फोर एच, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फोर एच आ जाएगा आपका इंटू एक्स प्लस एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच आ जाएगा, ये क्लियर है यहाँ से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर इंटू एच डैश आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका फोर फोर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स इंटू एच माइनस एच डैश इक्वल्स टू जीरो।
अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एच डैश आ जाएगा, और यहाँ पर जो रेशियो आएगा, ठीक है, जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, एच अपॉन एच डैश या एच डैश अपॉन एच आ जाएगा, वो किसका रेशियो आ जाएगा, वन का रेशियो आ जाएगा। यानी सेम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, एच और एच का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेना हमेशा, ठीक है, जहाँ पर से होल है उसके ऊपर का डिस्टेंस, जितना फ्लूड करेगा लिक्विड करेगा उस डिस्टेंस को लेना, ठीक है। लेकिन जब रेंज लेते हो तो इस डिस्टेंस को और जो उसके नीचे वाला जो डिस्टेंस है जहाँ पर होल रहता है, दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे फोर से और उसका रूट अंडर निकालोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका रेंज आ जाएगा। यानी आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ गया, वन आ गया। इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, फॉर सेम रेंज वन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको रेंज मैक्सिमम दे दे तो कहाँ पर होल करने से रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मान लो कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है, ये कैसे ही बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए डिनोट कर दे रहा हूँ। अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, रेंज अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो कहाँ पर होल होना चाहिए, तो एच बाई टू पे होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एच बाई टू पे होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा लेंथ अगर आपका एच है, ठीक है, पूरा का पूरा लेंथ आपका एच है, तो यहाँ पर कहाँ पर होल होना चाहिए, इस पॉइंट पे होल होगा, तब इस केस में क्या हो जाएगा, रेंज जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखना। ये क्या था, बोनस पॉइंट था आपका, इसे मैंने तीन टॉपिक कवर कर लिया, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद से प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करो। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।